जी हाँ दोस्तों, आज हम एंड्रॉइड के कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स वाले कोड्स जानने वाले हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग तरह की डिटेल्स अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में निकाल सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपका ईएमआई नंबर या फिर आपका सार वैल्यू, यानी आप चेक कर सकते हैं कि आपके सेलफोन पे कितना रेडिएशन है, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका एलसीडी फुली काम कर रहा है कि नहीं, या फिर आपका ऑडियो टेस्ट। मैं इस सीरीज में बताने वाला हूँ ढेर सारे एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स के, और इस सीरीज में हम ये भी जानेंगे कि ओप्पो, रियलमी या फिर एमआई या फिर इस तरह के अलग अलग स्मार्टफोन्स में अलग अलग कोर्स की सीरीज भी आती है। मैं उन सब के बारे में डिटेल्स दूंगा, आप कमेंट करना ना भूलिएगा, सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको। मैं विराज गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने टेक्निकल चैनल जिनेर सलीमपुर पे। चलिए कर देते इस टेक्निकल मिस्ट्री को भी रिवील। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड कोड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला कोड मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो होता है सार वैल्यू के बारे में जानना, जिसे हम कह सकते हैं रेडिएशन लेवल की जानकारी पाना। काफी रोचक कोड है, आपको दिखाता हूं मैं। मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि आपका स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट क्या है, तो आप स्टार हैश 07 और हैश जैसे ही प्रेस करते हैं आपके स्मार्टफोन पे आपका बॉडी साफ वैल्यू जो कि 0.720 डब्ल्यू पर केजी है और हेड साफ जो कि 305 डब्ल्यू पर केजी है की वैल्यू आ जाती है। आपको बता देता हूँ कि जो डॉट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने इसे 1.6 मिनिमम तक रखा हुआ है, कम से कम या सॉरी ज्यादा से ज्यादा 1.6 होना चाहिए, तो काफी अच्छा सार वैल्यू ये रेडिएशन लेवल को बता देता है। दोस्तों, अगली चीज जो आपको जाननी है आपके स्मार्टफोन में वो है कि अगर IEMI या फिर IMEI जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, तो आपको स्टार है 06 फिर जाके हैश प्रेस करना होगा, आपके स्मार्टफोन पे आपका अवेलेबल ईएमआई का ऑप्शन खुल जाएगा जो कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है जो किसी भी स्मार्टफोन को अलग पहचान देता है इंटरनेशनली लेवल पे, और इसी की मदद से आपके फोन के गुम हो जाने पे उसकी डिटेल्स ट्रैक की जाते हैं या फिर बाकी चीजें निकाली जाती हैं। दोस्तों, हम अब ये जानने वाले हैं कि ज़्यादातर जो हमारे एंड्रॉयड रियलमी फ़ोन्स होते हैं या फिर बाकी एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उस पर अगर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखना हो तो हमें क्या जानना होगा। तो ज़्यादातर रियलमी वाले फ़ोन्स के लिए मैं बता रहा हूँ स्टार है 6776 और फिर जैसे ही आप हैश प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं आपका एंड्रॉयड वर्जन को दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है, बेसबैंड वर्जन, कर्नेल, मास्टर डेट वर्जन, कलर ओएस, ब्रांच और बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने खुल करके आ जा रही हैं। ये तो बात थी हमारे कलर ओएस के वर्जन के बारे में। दोस्तों, अगली चीज जो हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमको अपने पीडीए पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी मोबाइल पे आपको कैलेंडर के इवेंट्स देखने हो, कैलेंडर की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमें *#*#225# और फिर *# प्रेस करना होगा। जैसे आप ये प्रेस करते हैं आपका बर्थडे या फिर आपने जो भी इवेंट्स ऐड कर रखे होंगे कैलेंडर में और बाकी सारे चीज़ें जितनी भी डिटेल आपने इवेंट वगैरह ऐड करे होंगे सब चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कोड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई सारे कोड्स ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग डिवाइसों पे काम करें या ना करें। फिलहाल मैं एक रियलमी का और कोड बता रहा हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन ही है। आप *#1234 और जैसे हैश प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कलर ओएस के वर्जन की डिटेल आ रही है RMX 1805EX11E.68। तो इस तरह से आप चाहें तो रियलमी स्मार्टफोन्स पे ओएस का वर्जन देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और कोड बताते चलूं। दोस्तों, अगली जो सबसे खतरनाक और बढ़िया कोड वाली जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो होता है आपका टेस्टिंग मोड ओपन करना। जब आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे *#4636# प्रेस करते हैं वैसे ही तुरंत आपके स्मार्टफोन पे खुल जाएगा कि आप अपने स्मार्टफोन के अलग अलग डिटेल्स देख लें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं फ़ोन की इंफॉर्मेशन, बैटरी की इंफॉर्मेशन, यूजेस की स्टैटिस्टिक्स, वाईफाई की इंफॉर्मेशन, सीएमएस के टेस्ट अलर्ट्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो वाईफाई एपीआई कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस के लिए होती है, या आपने कैमरा, फोटो, डायलर, सेटिंग्स क्या यूज एक्सेस कब किया गया है, बैटरी की डिटेल जैसे कि वो एसी चार्जिंग पे काम कर रहा है कि नहीं या डीसी पे काम कर रहा है, बैटरी लेवल कितना है, बैटरी का स्केल कितना है, बैटरी की हेल्थ कैसी है, या फिर फ़ोन की इंफॉर्मेशन में आप उसके आईपी एड्रेस की डिटेल्स और क्लाइंट टेस्ट की डिटेल्स भी पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं विराज गुप्ता फिर लेकर के आऊंगा आपके लिए एक नई टेक्निकल मिस्ट्री, तब तक के लिए गुड बाय।